जी हाँ छात्रों, कक्षा आपका 12वीं का विषय आपका जीव विज्ञान, त्रैमासिक परीक्षा का आपका पेपर। जैसा कि आप जानते हैं आपका यहाँ पे इंग्लिश का पेपर हो चुका है और अब आपको देना है पे जीव विज्ञान का पेपर। इंग्लिश के पेपर जैसा आपको बताया गया था दो सेट पर, बिल्कुल आपका वहीं से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं जीव विज्ञान के सेट ए का। आपका देखिए यहाँ पे 70 अंकों का आपका पूर्णांक होगा, 3 घंटे आपको समय दिए जाएंगे। निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सही विकल्प वाले आपके 6 नंबर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। पहला, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है क्या? आपका 1 होती है, 2 होती है, 3 या फिर देखिए आपका यहाँ पे कई। देखिए आपका सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे 1 करना है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? सागर, जबलपुर, भोपाल या फिर देखिए आपका इंदौर। आंसर देखिए आपको इसमें इंदौर करना है। किसके प्रभाव से शुक्र जनन का नियंत्रण होता है? देखिए आपको आंसर क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा देखिए ADH, FSH, LH, आपका देखिए STH। तो आपका आंसर देखिए FSH करना है। भ्रूण पोष देखिए आपका है 1 गुणित, 2 गुणित, 3 गुणित या फिर देखिए आपका बहुगुणित। तो आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपका 3 गुणित आपको करना है। चलते हैं आपके इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हीमोफीलिया आपका रोग होता है एक्स सहलग्न जीन, वाई सहलग्न जीन। सर नंबर देखिए एक्स वाई सहलग्न जीन या फिर आपका द नंबर एक्स एक्स आपका वाई सहलग्न जीन। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो 5वीं का आपको जो कि आपको आंसर आपको पूछना है एक्स आपका सहलग्न जीन। छठा देखिए जनसंख्या घनत्व तो अधिक है यूएसए यानी अमेरिका में, भारत में, चीन में या फिर देखिए जापान में। तो आपका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक आपका यहाँ पे भारत में आपका है। और इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। 6 नंबर का देखिए सेब डैश डैश फल का उदाहरण है। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको लिखना पड़ेगा आभासी। ठीक है, आप आंसर क्या करेंगे, आभासी कर देंगे। अगला देखिए शिशु जन्म के समय यहाँ पे क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे कौन सा हार्मोन का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्रावण होता है, तो रिलैक्सिन। आप आंसर रिलैक्सिन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है एड्स डैश डैश संचारित रोग है, तो आपका देखिए लैंगिक आपका रोग। ठीक है, आप आंसर क्या करेंगे, लैंगिक आपका संचारित रोग हो जाएगा। और जीन बीमा डैश डैश अवस्था में होती है, तो आपका देखिए पैकेटिन अवस्था में होती है, तो पैकी 3 आप आंसर इसमें करेंगे। इसके बाद देखिए आपका अनुवांशिक जनक कौन कहलाते हैं, देखिए तो आपका ग्रेगोर जान मेंडल। ठीक है, कौन है, ग्रेगोर जान और आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको मेंडल। ठीक है, आप ये आंसर करेंगे। इसके बाद जीन वाहक का कार्य करता है, देखिए कौन करता है, देखिए आपका प्लास्टिड करता है, तो आपको प्लास्टिड आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, प्लास्टिड। और इसके बाद देखिए आपका सही जोड़ी वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या दिया गया है, देखिए पार्थेनोकॉपी क्या है, तो पार्थेनोकॉपी आपका जो यहाँ पे होता है, देखिए सिंपल तरीका आपका यहाँ पे फलों को पकाने के लिए यूज किया जाता है, तो आपका यहाँ पे पार्थेनोकॉपी आपका देखिए केला हो जाएगा। और एक्रोसोम क्या होगा, देखिए एक्रोसोम मतलब आपका शुक्राणु होता है, शुक्राणु कहाँ पे दिया गया है, आपका ये दिया गया है। एड्स क्या है, देखिए तो आपका ये कहलाता है आपका यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका देखिए STD कहलाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सिंड्रोम कहलाता है। और वाई के देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम आपका ये हो जाता है। और वाई की कमी से क्या होता है, देखिए तो आपका यहाँ पे वाई की कमी से आपका जो है टर्नर आपका संलक्षण आपका होता है। और एक्स की अधिकता से क्या होता है, देखिए आपका क्लीन फिल्टर्स आपका संलक्षण आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद देखिए आपको इसमें आता है एक वाक्य फिर एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है एक शब्द में। पराकणों का अंतः चोल किसका बना होता है, देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए इनका आंसर आपको करना पड़ेगा सेल्यूलोज आपका पेक्टिन का। ठीक है, पहला तो आपको लिखना है सेल्यूलोज की। ठीक है, और साथ में आपका यहाँ पे वा पेक्टिन। ठीक है, पेक्टिन की आपको बनी होती है, ये आप आंसर करिए। इसके बाद देखिए आपका स्तरियों में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, तो आपका ये देखिए आपको हो जाएगा अंडवाहिनी में। ठीक है, आप आंसर अंडवाहिनी करिए। अगला देखिए अंड जनन के दौरान एक अंडे के बनने में कितने ध्रुवीय पिंड होते हैं, तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे 2 आपका लिखना है। ठीक है, GIFT का पूरा नाम क्या है, देखिए तो आपका ये हो जाएगा, देखिए मैं आपको सिंपल से आंसर यही दे देता हूँ, जाइगोट। और इसके बाद आप लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए आपका इंट्रा, और इंट्रा के बाद आपको लिखना है इसमें देखिए आपका फेलोपियन। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टी का आपको लिखना पड़ेगा आपका ट्रांसफर। ठीक है, आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिएगा, ये देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 5वां क्या दिया गया है, इसमें इसे पूछा गया है क्रोमोसोम की खोज किसने की थी, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो क्रोमोसोम की जो खोज है ना स्ट्रासबर्गर ने की थी, स्ट्रासबर्गर। बस आपको यहाँ पे
इस प्रकार से आंसर करना है। सत असत वाले क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर के, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण अपरा में क्या आपका होता है? देखिए आपका नहीं होता है, तो आपको इसमें असत करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, मानव गर्भाशय क्या आपका 270 दिन की होती है? तो देखिए आपका नहीं होती है, तो आपका मानव गर्भाशय आपका जो है ना 9 महीने मतलब 9 × 27 यानी देखिए आपका यहाँ पे देखिए आपका 9 महीने का होता है, तो 9 × 27 आपका सिंपली होता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए 280 दिनों का होता है, इसलिए आपको इसमें असत करना है। मनुष्य के शुक्राणु में क्या आपके 23 ऑटोसोम होते हैं? तो देखिए आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। 23 यानी आपका गुणसूत्र होता है ना, 46 टोटल होते हैं, 23 जोड़े आपके गुणसूत्र यहाँ पे होते हैं। द्विशंकर क्रॉस का अनुपात क्या आपका 9:3:3:1 होता है? तो देखिए आपका चौथे का आपको आंसर भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा, यही अनुपात होता है द्विशंकर में। हीमोफीलिया का आपका एक लिंग संलग्न रोग है, तो देखिए आपको इसका आंसर आपका पांचवे आपको यहाँ पे सत्य करना है। छठा देखिए, जीन विनिमय की क्रिया क्या आपका पैकेटिन अवस्था में यहाँ पे होती है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे जो है ना आपको ये भी असत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इसमें क्रॉसिंग ओवर आपको प्रक्रिया होती है। और छठा देखिए, क्या दिया गया है इसमें, परागण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित आपको बतानी है 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपको आंसर कैसे करना है, पराग कणों के स्त्री केसर की वर्धकागार तक पहुंचने की क्रिया पराग कण कहलाती है। परागण 2 प्रकार की होती है, ठीक है, आपको ये उत्तर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, पर परागण से कोई आपको 2 लाभ बताने हैं, तो देखिए आपको लाभ कैसे करने हैं, पर परागण से लाभ नई जाति उत्पन्न होती है, और पर परागण में उत्पन्न बीजों से पौधे मजबूत और आपके स्वस्थ होते हैं, ठीक है, आपको ये उत्तर करना पड़ेगा। 7वां देखिए, आभासी फल किसे कहते हैं? तो कुछ प्रजातियां जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट आदि में यहाँ पे देखिए आपको सृजना पुष्पासन भी महत्वपूर्ण आपका भागीदारी निभाता है, और इसे आभासी फल भी कहते हैं। इस प्रकार आंसर करना है। शुक्राणु जनन की परिभाषा आपको बतानी है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर लिखना है, वृषण के शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणु के निर्माण एवं परिपक्वन की प्रक्रिया शुक्राणु जनन आपका कहलाता है। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम का आपका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, जाकर आप कर लीजिएगा। देखिए क्या दिया गया है, 8वां क्वेश्चन, प्लेसेंटा के आपको कार्य पूछा गया है। देखिए प्लेसेंटा एक गर्भवती माँ में उपस्थित होता है। प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण को आवश्यक भोजन, जल, वायु आदि पदार्थ उपलब्ध होते हैं, तथा भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ इसी के द्वारा माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं, वहां से उत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाते हैं, तो आपको ये उत्तर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपका वृषण उदर गुहा का बाहर क्यों पाए जाते हैं? देखिए आपको आंसर जो है, नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो स्ट्रोकोटन में देखिए बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण में आपका तापक्रम शरीर के तापक्रम से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, अन्यथा स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु के निर्माण में क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, और इस कारण वृषण का उदर गुहा से बाहर होना आवश्यक आपका हो जाता है। इसके बाद देखिए, मेंडल के प्रभावित का आपको नियम लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे हीरा देखिए, इस नियम के अनुसार एक विपर्यासी लक्षणों वाले सूक्ष्मी जन्म पादपों में संक्रमण कराया जाता है, तो आपके प्रभावी लक्षण आपको यहाँ पे एफ पीढ़ी में आपका व्यक्त होते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा आपको इस देखिए इसे प्रभावित का आपको नियम भी कहते हैं, और इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पे इसका आपको चित्र भी आपको यहाँ पे आपको इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधे का चयन क्यों किया है? तो अगर देखिए इसके आंसर की बात करूं मैं, तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। पहला आपका मटर एक वर्षीय पौधा है, इन्हें आसानी से उद्यान में उगाया जाता है। मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है, अर्थात नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में मिलते हैं, और इसे आसानी से विपुंसन पर एक लंगी पादप द्वारा परिवर्तित किया जाता है, और इसे आसानी से स्वपरागण और आपका परपरागण कराया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 10वां दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है DNA और आपका RNA का पूरा आपको नाम बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ पे देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये देखिए तो आपको आंसर क्या लिखना है, देखिए आपको यहाँ पे ये रहा आपका DNA का deoxyribonucleic अम्ल, और RNA का हो जाएगा ribonucleic अम्ल, यहाँ पे आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। प्रसव किसे कहते हैं, देखिए तो आपको आंसर यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, प्रसव गर्भवती मादाओं के गर्भाशय शिशु के बाहर निकलने वाली क्रिया को शिशु जन्म फिर प्रसव कहा जाता है, इस प्रकार आंसर करिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 11वां आता है, क्या दिया गया है, सहलग्नता को परिभाषित कीजिए। तो आपको अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सहलग्नता क्या होती है, देखिए अर्शोत्री के दरमियान जब गुणसूत्र एक इकाई को भांति गमन करते हैं तब सहलग्न जीन सहलग्नता समूह पर एक साथ चल जाते हैं, और वंशागति के समय जीनों के सहलग्न समूहों में एक साथ गमन करने के लिए इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपका इसके आपका अथवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें आपका पूछा गया है जीनोटाइप और आपका फिनोटाइप में आपको अंतर बताना है। अंतर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पे अंतर आपको जो है ये रहा आपका आंसर,
देखिए जीनोटाइप उसके डीएनए में निहित जीनों में आपका एक संग्रह है जो उसकी अनूठी विशेषताओं पर लक्षणों में योगदान देता है। और देखिए दूसरी ओर फिनोटाइप जीव की शारीरिक उपस्थिति या लक्षणों को संदर्भित करता है। हम किसी व्यक्ति की जीनोटाइप का उपयोग करके उसके अनुवांशिक कोड को समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए जीनोटाइप में आपका जीन का एक संग्रह है उसकी इस विशेषताओं को लक्षण योगदान देता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 वंशावली विशेषण क्या है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे किसी भी परिवार में किसी विशेष अनुवांशिक रोग या लक्षण के बारे में विभिन्न पिंडारियों में वंशावली का विश्लेषण करना होता है और आपको यहाँ पे फैमिली ट्री के बारे में आपको कहा गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 12वां क्वेश्चन अथवा का बिंदु उत्परिवर्तन क्या है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो क्वेश्चन 12 का अथवा देखिए आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे जीन के किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन प्रतिस्थापन विलोपन निवेशन बिंदु उत्पन्न करता है। इस प्रकार देखिए आपको आंसर कर देना है और इसके साथ आपको देखिए आपको यहाँ पे उदाहरण भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसमें उदाहरण भी आप कर सकते हैं, पूरा इस प्रकार से आपको आंसर करना है। 13वां देखिए स्वपरागण और आपका परपरागण, आपको तीन अंतर बताने हैं। तो देखिए आपको आंसर कैसे करना है, यहाँ पे आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए स्वपरागण यह एक ही पौधे नर और मादा पुष्पों के बीच होता है। परपरागण देखिए क्या होता है, इसमें आपका एक ही जाति के दोनों पौधे के नर और मादा के बीच होता है, ठीक है। परपरागण क्या होता है, देखिए एक ही जाति में, और स्वपरागण एक ही पौधे में होता है। इसमें पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक है और परपरागण देखिए इसमें द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है तीन पॉइंट पूछा गया ना, तो देखिए तीसरा आपको स्वपरागण के लिए पौधे का आकर्षक बड़ा सुंदर और मकर युद्ध आपका मकर युद्ध होना आवश्यक नहीं है, और इसके लिए पौधे का आकर्षक बड़ा सुंदर और मकरंद युक्त यानी आपका महकना चाहिए। इसके लिए आपका पराकणों की आवश्यकता होती है, इसमें आपका अधिक पराकणों की आवश्यकता होती है। तो आपको देखिए आपको चार पॉइंट बता दिए, इसमें आपको तीन ही पॉइंट पूछा गया है। अंडजनन के लिए क्या है, अंडजनन की आपको संक्षिप्त व्याख्या करनी है। 13 का देखिए आपको अथवा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ देखिए आपका वह क्रिया जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, आपका ये होता है अंडजनन। और इसमें देखिए आपके चार चरण होते हैं, ठीक है। चरणों की बात करें तो देखिए पहला प्लूरीफरेशन अवस्था आपका होता है, दूसरा आपका देखिए वृद्धि व्यवस्था, तीसरा आपका परिपक्वन, और आपका यहाँ पे देखिए तीन व्यवस्था आपको होते हैं, आपको तीनों को लिखना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है 14 नंबर, देखिए आपको इसमें इसका हो गया ना मेंडल के पृथक्करण के नियम को आपका उदाहरण सहित आपको समझाना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, देखिए मेंडल का आपको जो नियम है इसमें आपको कैसे आंसर लिखेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे जब प्रथम संतानी पीढ़ी आपका F1 में विषम युग्मजी आपके पौधे में स्वपरागण की आप कराते हैं, तो द्वितीय संतान F2 पीढ़ी की में आपको यहाँ पे निर्भर करता है, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर पूरा आपको लिखना पड़ेगा। और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे ये आपको बना देना है, इस प्रकार सुत लंबे पौधे TT आपका बड़े आपका ये देखिए आपको कैपिटल में, और आपका देखिए शुद्ध बौने पौधे आपका यहाँ पे TT स्मॉल में। अब इससे संकर कराएंगे, देखिए एक टी इसका आपका हो जाएगा आपका कैपिटल ऑफ TT, तो परागण आपका देखिए शुद्ध लंबा पौधा TT आपका शुद्ध लंबा होगा, लंबा पौधा से TT होगा, लंबा पौधा बौना पौधा आपका TT हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपका F2 में आपका परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन आपका DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग पूछा गया है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए किसी संतान के प्रति माता पिता की पहचान इस विधि द्वारा किया जाता है। संदिग्ध माता पिता के बच्चों के DNA फिंगरप्रिंटिंग की वजह से उसके सही माता पिता का प्रमाणित किया जाता है। समरूपी जुड़वा, देखिए DNA फिंगरप्रिंट बिल्कुल समान होता है, इसलिए प्रक्रिया के सहारे किसी भी दूसरे तरह के DNA के फिंगरप्रिंट होने पर उससे दूसरे को आपका अलग किया जा सकता है। इसके बाद 15वां देखिए DNA उंगली छाप पर टिप्पणी लिखना है। देखिए आपको यहाँ पे टिप्पणी मिल जाएगा DNA आपका फिंगरप्रिंटिंग में। इसका आविष्कार एलेक जेफरीन ने 1986 में किया था। DNA की संरचना अनुवांशिक प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है और इसमें दूसरे व्यक्ति में भिन्नता प्रदर्शित होती है। जीव का DNA प्रत्येक उसके माता पिता और DNA क्रम का आपका संयोग करता है। तो पूरा आंसर आप लिख दीजिएगा, देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। भारतवर्ष में इस तकनीक का सर्वप्रथम उपयोग 1989 में एक विवादास्पद माता पिता की पहचान के लिए मद्रास में किया गया। DNA फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला सेंटर फॉर सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। भारतवर्ष में विवादास्पद जनकों की पहचान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, इनमें से अधिकांश का निपटारा DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा आपका किया जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे जैसे किसी का DNA मैच नहीं कर रहा है, आपका माता पिता देखिए किसी के बच्चे खो गए हैं, तो इस प्रकार से आपको डेंगले उंगली छाप पर आपको यहाँ पे इस प्रकार आपको लिखा जाता है। खाद्य श्रृंखला और आपका खाद्य जाल में अंतर पूछा गया है। 15वां का देखिए आपका अथवा का देखिए सिंपल सा आपको आंसर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे खाद्य श्रृंखला और इधर आपका खाद्य जाल। परतंत्र में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं और परतंत्र में खाद्य श्रृंखला के संयुक्त पथों को खाद्य जाल कहते हैं। ये आपके मिलके खाद्य जाल बनाते हैं और ऊर्जा का प्रवाह देखिए सरल पथ में होता है और ऊर्जा का पथ अनियमित होता है। ये आपका एक दिशा में होता है और आपका
ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे आपका ये एक दिशा है और यहाँ पर आपका ये कई दिशा में होता है। क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, समझात अंग क्या है उदाहरण सहित आपको बताना है, कैसे करेंगे आंसर। देखिए 16 नंबर का समझात अंग, पौधे प्राणियों के वे अंग जिनकी आधारभूत रचना एक समान होती है और उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, समझात अंग कहलाते हैं, जैसे पक्षियों और पशु, मनुष्य की भुजाएं, कुत्ते की अंगुली, टांगे, सभी अंग आपके रचना के आधार पर एक समान होता है। और देखिए आपका यहाँ पे ये आपका पूरा आपको चित्र भी आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो है ना क्वेश्चन आपका, एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड का स्वच्छ नमांक की चित्र बनाइए। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, 16 का आपका अथवा आंसर देखिए चैलेंजा हाइलम, बीजांड का प्रतिमुखी कोशिकाएं, ध्रुवीय केंद्रक, अंडवाही कोशिका, सहायक कोशिकाएं, आपको ये पूरा आपको चित्र बनाना है। ठीक है, तो आपका ये देखिए आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बीजांड का स्वच्छ नमांक चित्र। सत्रह देखिए, स्वतंत्र अव्यूहन नियम का उदाहरण से आपको आंसर देना है। देखिए इसका आंसर देखिए, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति के प्रभावित नहीं होती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती है, इसे स्वतंत्र अव्यूहन का आपका नियम कहते हैं। इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग द्वारा आपका समझाया जा सकता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रिया द्वारा होता है। तो आपको देखिए आप आंसर जो है 17 का अथवा क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे ये करना है। देखिए मनुष्य आपका जो है लिंग निर्धारण 46 से फिर 23 जुड़ी गुणसूत्र में पाए जाते हैं। मनुष्य में मादा का 23वां आपका गुणसूत्र XX जो है समान गुणसूत्र वाला होता है, परंतु नर का आपका देखिए एक्स और वाई होता है। जब आपका एक्स और एस मिलता है तो आपका यहाँ पे लड़की होती है और एक्स और वाई मिलने पर आपका यहाँ पे लड़का होता है। तो यही आपको पूरा बताया गया है, आप इसे देखिए आपको यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो इसे देखिए आपको ये चित्र भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे डीएनए और आपका आरएनए में आपका अंतर पूछा गया है। 18वें क्वेश्चन का आंसर चलिए आपको देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 18 का आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, डीएनए और आपका आरएनए में अंतर। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल एसिड होता है, इसका अम्ल राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये जेनेटिक पदार्थ होते हैं और ये देखिए कुछ वायरसों में जेनेटिक पदार्थ आपका होते हैं। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और इसमें आपका राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थायमिन आपके क्षार होते हैं और इसमें देखिए थायमिन का जो स्थान होता है ना यहाँ पे, इसमें यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार देखिए इसके अथवा का वाटसन और क्रिक की द्विकुंडलित मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आपको यहाँ पे द्विकुंडलित आपका यहाँ पे या पे इसका आंसर आपको देंगे, तो आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। सिंपल तरीके से आप बना लीजिएगा, देखिए आपको यहाँ पे ये आपका दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए और इसका आपको यहाँ पे चित्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और आपका साइटोसिन हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे आपका सब कुछ आपका सेम है और आपको इसमें चेंज होता है यूरेसिल। और इसके बाद देखिए आपका 19वां डार्विन बाद और लैमार्क बाद में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो 19 का आंसर देखिए कैसे करना है आपको यहाँ पे, ये आपका मिल जाएगा लैमार्क बाद और आपका डार्विन बाद। तो देखिए आपको आंसर, जिराफ की गर्दन समान लंबाई की थी क्योंकि उसे घास फूस आने से उपलब्ध थी। डार्विन कहते हैं जिराफ के पूर्वज दोनों प्रकार के थे, छोटी और लंबी गर्दन वाले थे, इसलिए आपका बदलाव हुआ। और देखिए आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा और इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट देखिए और इसमें देखिए आपका यहाँ पे चौथा पॉइंट। तो इस प्रकार देखिए आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए 19 का आपका अथवा का, यहाँ पे परिस्थितिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आपको यहाँ पे 19 का अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पूरा आंसर देखिए, परिस्थितिक पिरामिड किसी पर्यटन में पोषण संरचना और पोषण कार्य का ग्राफी निरूपण परिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। इसकी संकल्पना सर्वप्रथम एल्टन ने प्रस्तुत की, इसी कारण से एल्टोनियम पिरामिड भी कहा जाता है। तो ये पूरा आंसर आप इसे कर लीजिएगा, देख लीजिए और ये आंसर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आंसर आपको हो गया। अब इसके बाद देखिए आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है ना, इसके बाद आपका आपका लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका आंसर हो गया पूरा आंसर यहाँ पे, ये देखिए इस आंसर को मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो 20वां है, ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन 20वां आपका लास्ट है। खाद्य श्रृंखला का वर्णन और प्लाज्मिड डीएनए में गुणसूत्री डीएनए में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो अगर मैं देखिए इसके अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये रहा देखिए क्वेश्चन आपका 20 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले भोजन श्रृंखला के बारे में पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा आंसर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लीजिए, देखिए आपको इस पॉइंट पर ये आपके पूरे लिखना पड़ेंगे, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे इसे भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसे कर लीजिएगा पूरा, आपको देखिए आपको यहाँ पे श्रृंखला आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपके बड़े क्वेश्चन है और इनका आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो जितना आपको याद हो कर लीजिएगा। 20 का आपका देखिए अथवा क्वेश्चन, आपका प्लाज्मिड वाले का आंसर, प्लाज्मिड डीएनए और आपका गुणसूत्री डीएनए में आपको अंतर बताना है। देखिए आपको यहाँ पे एक गोलाकार बाह्य डीएनए होता है जो प्राकृतिक प्रतिकृति करता है, जैसे आपका जीवाणु और यीस्ट, इसमें अनुक्रम गुणसूत्री डीएनए
सभी जलधारों में पाए जाते हैं। इनमें समान वृद्धि और विकास नहीं होता है, और इसमें समान वृद्धि और विकास होता है। इसमें कोशिका कुछ गुणों को देखिए सूचना निहित होती है, और इसमें सभी गुणों को सूचना आपका निहित होती है। तो इस प्रकार देखिए आपको आंसर पूरा आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, और आई होप अब आप जो है ना पूरे 70 में से 70 नंबर आसानी से आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।